शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि दुआ या आशीर्वाद वो हमारे जीवन में क्या काम में आती है, यानी वो हमारे जीवन में क्या काम करती है। उसकी तुलना इस दुनिया में हम किसी से कर ही नहीं सकते। इस दुनिया में कोई मनुष्य, कोई वस्तु उस जैसा कोई काम कर ही नहीं सकते। वो काम जैसे कि भगवान करते हैं, अर्थात बहुतों से दुआ इकट्ठा करना, जैसे कि भगवान को राजी करना। और भगवान जिससे राजी हो जाए, उसको कभी भी अपनी आवश्यकता पर भगवान को मदद के लिए पुकारने की जरूरत नहीं है। भगवान को कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। भगवान आपे ही उनकी आवश्यकता पर मदद करते हैं। जहां उनकी भलाई है, वो काम भगवान आपे ही करेंगे। कैसे? इसी पर एक घटना आपको सुना रहे हैं। 1995 में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी। उस ट्रेन का नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। और उसी ट्रेन एक्सीडेंट में उसी ट्रेन को सफर करके फिरोजाबाद होकर दिल्ली होकर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में एक भाई को आना था, लेकिन वो भाई आ नहीं पाए। उसका ट्रेन छूट गई थी। क्या हुआ था? जो गाड़ी छूट गए थे वो कुमार था, और अकेला एक फ्लैट में वो किराए पर रहता था। जब सुबह सुबह तैयार होकर बैग लेकर फ्लैट से गेट तक पहुंचा, गेट तक पहुंचते ही एक भिखारी आ गया कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो वो कुछ पैसा दे रहा था, लेकिन वो भिखारी पैसा नहीं ले रहा था। बाबूजी भूख लगी है, कुछ सुबह सुबह कुछ खिला दो। और उनको देखने में भी ऐसे लग रहा था कि बहुत भूखे हैं। तो उसने सोचा, दो कदम की दूरी पर एक चाय की दुकान है, चलो जाके चाय पिला देते हैं। लेकिन जब वो चाय की दुकान तक पहुंचे, देखा जाके चाय की दुकान बंद है और आसपास में कोई दुकान भी नहीं थे। और वो जब भिखारी को दूध देकर अपनी ट्रेन के लिए निकलने लगते हैं, तब वो भिखारी दूध पाकर खुश होकर उसको दुआई देने लगते हैं, बाबूजी आपकी लंबी उम्र हो। इस प्रकार से दुआई देते रहे और वो चल पड़ते हैं। लेकिन जल्दीबाजी स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, स्टेशन पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि जस्ट एक ही मिनट हुआ वो ट्रेन चली गई। तब मन ही मन उस भिखारी के ऊपर नाराज हो रहा था, और भगवान के ऊपर भी नाराज हो रहा था कि हम अच्छा काम करते हैं, दुआएं भी लेते हैं, फिर भी भगवान हमें साथ नहीं देते हैं। मन ही मन नाराज होकर वो बैग लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा, और फ्लैट में पहुंचकर नाराज होकर मन उदास होकर बैठे रहा कि हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम के लिए जाना चाहते हैं, फिर भी भगवान हमें साथ नहीं देते, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा सोच सोच कर वो बैठा रहा। लेकिन बाद में जब वो न्यूज में सुनते हैं कि वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गई और इतने लोग मर गए, वो समाचार सुनकर वो भगवान को दिल से शुक्रिया करने लगा, और उस भिखारी के ऊपर भी दिल से शुक्रिया मानने लगा। वो ये समझने लगा कि भगवान ही गुप्त रूप में कोई भिखारी बनकर उनके पास आया था, भगवान ही गुप्त रूप में आकर उनका जान बचाए। इस प्रकार से जो हम अच्छा कर्म करते हैं, उससे जो हमें दुआएं मिलती हैं, दुआएं इस प्रकार से हमारे जीवन में काम में आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो अच्छा काम करने में हम जाते हैं, दुआएं हमें मिलती हैं, लेकिन वर्तमान में कभी नुकसान होते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उस नुकसान में ही हमारी कोई भलाई छिपी हुई होती है। लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर में जो हमारी कोई भलाई छिपी हुई होती है, उसको हमें पता नहीं चलता है। हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं कि ये नुकसान हो गया, हम अच्छा काम करते हैं, फिर भी भगवान हमें साथ नहीं देते हैं, भगवान हमें मदद नहीं करते हैं। लेकिन जो हम अच्छा काम करते हैं, जो हमें दुआएं मिलते हैं, वो आप ही नहीं तो कभी इस प्रकार से हमारे जीवन में मदद करती हैं, इस प्रकार से हमारे जीवन में वो काम में आती हैं। अगर इसके ऑपोजिट में अगर हम कोई गलत काम करते हैं, किसी के अगर बददुआएं मिलती हैं, उस बददुआ के कारण हमारा कदम वहीं जाएगा जहां कोई नुकसान होने वाली बातें हो, और उस बददुआ के कारण अभी नहीं तो भविष्य में कभी भी हमारे जीवन में कोई ना कोई नुकसान होगा। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना है जिससे किसी की हमें दुआएं मिले। भले वर्तमान में हमें कोई नुकसान दिखाई भी दे, लेकिन उस नुकसान में भी कोई भविष्य के लिए भलाई छिपी हुई है। इस बात को बुद्धि में रखकर कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उनको अवश्य मिलना है।
अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की हमें दुआएं मिल रही हैं, तो हमारा भविष्य निश्चित अच्छा ही होगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।